और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस टाइम तकरीबन 12 बज रहे हैं और मुनीब का बिरयानी खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने कहा 12 बज रहे हैं, ताज़ी बिरयानी कहाँ मिलेगी। मतलब 12 बजे का टाइम ऐसा टाइम होता है सारे बिरयानी वाले क्लोज कर रहे होते हैं और तकरीबन आपको फ्रेश बिरयानी कहीं भी नहीं मिलती। तो मुनीब की सजेशन पे आज हम आ गए नाइट बिरयानी। तो ऊपर आप देख सकते हैं नाइट बिरयानी, पूरी रात बिरयानी के साथ। तो भाई आप समझ गए होंगे इसका गेम क्या है। यही गेम है कि पूरी रात यहाँ पे आपको बिरयानी मिलेगी। अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आ गई कराची वालों को, कभी भी बिरयानी खानी होती है तो उसके लिए ये सोल्यूशन आ गया कि 12 बजे तक ऑलमोस्ट सारे बंद कर देते हैं शॉप्स। तो 12 बजे के बाद का कोई पैकेज इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जो कि आज इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो अभी चेक करते हैं क्या सीन्स हैं, लोगों का बिरयानी का टेस्ट अप टू द मार्क है या नहीं, क्योंकि रात के टाइम बिरयानी मिल रही है। अगर मेरे घर से तकरीबन हमारे घर से कितना डिस्टेंस होगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट का, आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर ये आज 100% एक्यूरेट हो गई ना मालिक, मैं रात को मुझे बिरयानी की बड़ी तलब होती है, मैं यहाँ खाने आने वाला हूँ। तो अभी चले के चेक करते हैं। डर भी लग रहा है, बढ़ भी रही है। क्यों? क्योंकि शपाटल लौटने कभी भी आ जाएंगे बेटा, और शपाटल की यहाँ पे कमी नहीं है। चल कड़वे मोबाइल निकाल। ये बताओ कौन कौन सी बिरयानी है आपके पास? बीफ और चिकन है। कौन सी खानी है? बीफ ट्राई करते हैं। बीफ खाते हैं, ताज़ी होगी ना भाई एकदम अभी। ओए बीफ का भी पतीला है, बीफ ट्राई करते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि बीफ बड़ी क्लासी है इन लोगों की। क्या कहता है, बीफ ट्राई करते हैं पहले? बीफ एक काम करो, फिर आप 2 बीफ ले आओ सिंगल। One eternity later. यार अभी फिलहाल सीन ये है कि हमने बीफ तो ऑर्डर कर दी थी, लेकिन ये कह रहे हैं जो पतीला आया था वो शायद 2 या 3 किलो का था, तो जिसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि अगर हमें फ्रेश बिरयानी प्रोवाइड करनी है तो ये कम क्वांटिटी बनाते हैं, जिसकी वजह से जो बिरयानी होती है वो फ्रेश ही रहती है। जब भी हमने चिकन मंगवा लिया ट्राई करने के लिए, बीफ जब तक आती है तो फिर बीफ भी ट्राई कर लेंगे। क्योंकि चिकन में अगर आपको दिखाऊँ तो बॉस ये एकदम फ्रेश, ये देख लें, क्योंकि चिकन भी अभी बीफ के साथ ही आई थी, बीफ एंड हो गई, चिकन बच गई। ये आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिला हुआ हुआ। तो बॉस इसको ट्राई करके चेक करते हैं जब तक हो सकता है बीफ भी आ जाए। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन सोचा है, क्योंकि अगर एक साथ ये 10 या 12 किलो मंगा लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि रात के टाइम किसी किसी दिन चले किसी किसी दिन ना चले, वो गर्म भी रहेगी। गर्म भी रहेगी, हाँ। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, खा के मुनीब ट्राई करो। फुल भरो, फुल। ओए बस इस टाइम आए तो पैसा वसूल लग रहा है बहुत मुझे आज। ये गर्मा गर्म है, वही टेस्ट है ना, फुल चटपटी, फुल चटपटी। चलो भाई चेक करो, लाओ दिखाओ। तो फुल है, फुल तबाही। आए हाय हाय, लेवल हो गया लेवल। हाय हाय यार, हम चिकन खा के यहाँ से कट रहे हैं क्योंकि ये रात बहुत हो गई है और यहाँ के आप जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कराची के हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हम तक 2 से 3 बजे तक बाहर ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी यूट्यूबर्स का भी आपने देखा होगा, उनके साथ सीन लग गए हैं। तो बस अभी निकलते हैं, चिकन ही खा लिए, बीफ किसी और दिन ट्राई करेंगे। मुनीब किसी दिन और, मुनीब के सजेशन में आया, हाँ, वरना ऐसा कोई ना सीन फिर जाए हमारे साथ। ओवरऑल टेस्ट यार बिल्कुल हो गया था, 110 रुपये की 250 ग्राम यानी 1 पाव थी, तो वही रेट हैं जो इनके अब्बा बिरयानी और वो उस दूसरी ब्रांचेस पे हैं, ये अब्बा बिरयानी और जो फ्रेंड्स बिरयानी है पीएनटी में उसी की ब्रांच है। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। 3 बजे तक खुली होती है? हाँ 3 बजे तक, 3 बजे तक सुबह 10 बजे खुल जाती है और 3 बजे तक खुली रहती है। तो मतलब आई थिंक 3 बजे के बाद भी अगर किसी को बिरयानी खानी है तो फिर 3 बजे से ले कर चले जाओ, उसका और कोई हल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।